हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन सा। महात्मा गांधी एज ए लॉयर, एज ए वकील, उन्होंने मुंबई में अपना ऑफिस खोला हुआ था, एक सेटअप बिठाया हुआ था। उनके पास कुछ मुकदमे भी थे, बहुत ज्यादा केसेस नहीं थे। कोर्ट में बोलने का जो कॉन्फिडेंस होता है वो नहीं था, उस वक्त उनकी वकालत इतनी नहीं चल रही थी। तो उन्हें एक ऑफर मिला, उनको साउथ अफ्रीका में बुलाया। महात्मा गांधी ने अपनी पूरी वकालत मुंबई की बंद कर दी और वहां से वो चले गए साउथ अफ्रीका। अपने पार्टी से वो मिले, उसके बाद दूसरी पार्टी को भी अप्रोच किया और इस तरीके से उन्होंने दोनों को समझाया और समझाकर उनकी काउंसलिंग की। हर तरीके के नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को बताने के बाद उनको समझौते के लिए उन्होंने कन्विंस कर लिया। ये बड़े पैसों का मामला था, इंडस्ट्रियल लड़ाई थी, दो औद्योगिक घरानों की लड़ाई थी। ये समझौता एक बहुत ही गुडविल में चेंज हो गया और दोनों ही पार्टी उनसे खुश हो गई। उन्होंने कहा है कि मैं कोर्ट में अपीयर हुआ, वहां जब कोर्ट में अपीयर हुआ तो मैंने पगड़ी पहन रखी थी। जब वो बहस के लिए खड़े हुए तो जज ने मना कर दिया कि मैं आपकी बहस नहीं सुनूंगा क्योंकि यहां के ड्रेस कोड के हिसाब से ये पगड़ी अलाउ नहीं है, आपको यहां के एडवोकेसी के तौर तरीकों के हिसाब से ड्रेस पहननी होगी और तब आर्गुमेंट करना होगा। महात्मा गांधी ने उस पगड़ी को हटाने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं पगड़ी पहनकर ही बहस करूंगा। बाद में अपने पगड़ी को पहनकर कोर्ट में बहस करने की आजादी की लड़ाई उन्होंने वहां शुरू कर दी। बहुत सारे हायर अथॉरिटीज जो थे वकालत के, उनको उन्होंने लेटर लिखे और एक तरीके से एक कैंपेन शुरू कर दिया। ऐसी ऐसी लड़ाई महात्मा गांधी ने वकालत के फील्ड में लड़ी है दोस्तों, जो लोगों को नहीं पता है। आत्मकथा में ये एक्सेप्ट किया है, इसको स्वीकार किया है कि जब मैं अपने पहले केस के लिए तैयार होकर कोर्ट गया, फर्स्ट टाइम किसी केस में बहस करने के लिए मुझे भेजा गया, मैंने पूरी तैयारी कर ली, सारी चीजें तैयार थी। जब मैं जज साहब के सामने खड़ा होता, उन्होंने पूछा था कि आप इसमें बहस करो, आप बताओ कि ये पूरा मसला क्या है। महात्मा गांधी ने लिखा है कि मैं एक शब्द भी नहीं बोल सका, आई कुड नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड बिफोर द ऑनरेबल जज, और मैं चुपचाप वहां से चला गया। फिर तो वो जनसभा को ही संबोधित करने लगे और इतनी चीजें होने लगी। दोस्तों, ऐसे होती है इवन किसी महान आदमी की भी शुरुआत। महात्मा गांधी एक केस लड़ रहे थे, पूरी प्रक्रिया चली और लास्ट में चीजें बहस पे आ गई। उस पूरी प्रक्रिया में उस क्लाइंट ने उनको कन्विंस किया हुआ था कि मैं सच्चाई पे चल रहा हूं, मुझे ये दिक्कत है और आपको मेरी इन चीजों को कोर्ट में प्रेजेंट करना है। महात्मा गांधी ने बहुत अच्छे से उनको रिप्रेजेंट किया। जब बहस का समय आता है तो उनको किसी तरीके से ये मालूम चला कि ये बातें झूठी है जो मेरे क्लाइंट ने मुझे बताई है। अब इन झूठी बातों को लेकर उन्होंने क्लाइंट को बुलाया, उससे पूछा, कंफर्म करना चाहा, होकर उसने बोला कि हाँ, इसमें ये बातें झूठी है। उन्होंने वहां कुछ नहीं बोला। अगले दिन कोर्ट में बहस थी, कोर्ट में अपीयर होते हैं और जज कहते हैं कि जी, आप अपने पक्ष को कोर्ट में रखो। उन्होंने कहा कि जनाब, मेरा क्लाइंट झूठा है, इन मुद्दों पर इसने झूठ बोला है और ये कमियां हैं मेरे केस में, और मेरे साथ जो सच्चाई है वो 25% है, 75% झूठी बातें रखी गई हैं। जज सरप्राइज हो गए कि ये वकील कौन सी बहस कर रहे हैं, ये कौन सी बातें कर रहे हैं। वो क्लाइंट हार गया, उन्होंने कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया कि मैं यहां झूठा हूं। किसी झूठे केस की वकालत मैं नहीं करूंगा, किसी झूठे केस की फाइल मैं नहीं लूंगा। ये है वकालत दोस्तों। ऐसे ही नहीं इस देश को आजादी मिली, बड़े इंटरेस्टिंग कुछ वाक्या थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। बाय बाय।